हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल सी एम सी क्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे अपने दो चैप्टर्स जो हमने पढ़ लिए हैं उनके बेस पे थोड़े से क्वेश्चन आंसर, ताकि आपकी तैयारी होती रहे थ्योरिकली। तो दोस्तों, आज हम करने वाले क्वेश्चन आंसर, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मैं आप छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, यानी कि एक एक क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, जिससे आप एक साल में 365 क्वेश्चंस लगभग आपको याद आ जाएंगे, आपको याद कर पाओगे। तो वो वीडियोस आने वाले हैं, तो आप घबराए नहीं, ताकि कि अपना एग्ज़ाम कैसा जाएगा, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते रहोगे, तो आपका जो कोपा का एग्ज़ाम है वो ऐसे ही निकलेगा जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि द पर्सनल कंप्यूटर इज़ ऑल्सो कोल्ड। पर्सनल कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? तो पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर्स के टाइप्स नहीं पता, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, तो फर्स्ट चैप्टर ज़रूर देखिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कि द थर्ड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर इज़ यूज। क्या कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर्स आए थे उनमें क्या यूज़ होता था? तो उनमें आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होता था। तो अगर आपको जनरेशन नहीं पता, कितने जनरेशन आए, कौन कौन से जनरेशन आए, क्या क्या चीज़ यूज हुआ, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए। फर्स्ट वीडियो में सारा कुछ, फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ बता रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखें क्या क्या इन्होंने यूज़ किया। तो ये भी फर्स्ट चैप्टर में ही है, तो फर्स्ट चैप्टर ज़रूर देखें। फिर कह रहा है दोस्तों, कि द फिफ्थ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज, क्या कह रहा है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किया गया था? तो आपका जो फोर्थ जनरेशन है उसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया था। तो डी हमारा आंसर जो वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि द लॉन्गेस्ट बटन ऑन या लार्जेस्ट बटन ऑन कीबोर्ड। आपका जो कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन क्या होता है? तो वो आपका स्पेस बार वाला बटन होता है। तो ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि हाउ टू रिब्यूट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कह रहे हैं दोस्तों, कि आप अपने विंडो को रिब्यूट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो, शॉर्टकट कीज दे रखी है, तो ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा विंडो जो है रिब्यूट हो जाता है। तो ये शॉर्टकट की है रिब्यूट करने के लिए अपने विंडो को। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर सिस्टम है, तो आप इन क्वेश्चन जो आपके शॉर्टकट कीज वाले होते हैं उनको ट्राई करके ज़रूर देखा करो, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। क्या कह रहा है, कि ए निर्देशों का एक सेट कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है प्रोग्राम। यानी कि जब एक पूरा सेट हो जाता है इंस्ट्रक्शन का, तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि द इनपुट डैश इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। यानी क्या कह रहे हैं दोस्तों, डैश के लिए इनपुट क्या है? एक सोर्स प्रोग्राम है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, डिकोडर। तो असेंबलर क्या है? एक पर्सन है। तो पर्सन के लिए जो इनपुट है वो तो एक सोर्स प्रोग्राम के जैसा ही है। तो जो हमारा ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तो सारे ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है। नेक्स्ट क्या है, कि विच डिवाइस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड पेपर मीडिया। क्या कह रहा है, मैग्नेटिक और पेपर मीडिया के कॉम्बिनेशन का कौन सा डिवाइस है इनमें से? तो दोस्तों ये MIRC, OCR, MCR, तो इन सब के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो सेकेंड चैप्टर में इनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वीडियो ज़रूर देखिए। तो इसका जो पेपर मीडिया और मैग्नेटिक का है, तो वो आपका MIRC है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। दोस्तों इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये सारा कुछ आपको उस चैप्टर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, कि फैट स्टैंड फॉर, फैट के फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फैट स्टैंड फॉर होता है आपका फाइल एलोकेशन टेबल। तो ए आंसर जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कि द वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ पेज लेआउट इज ऑल्सो नोन। क्या कह रहा है, कि वर्टिकल आपका जो वर्टिकल लेआउट है, ओरिएंटेशन है, वो पेज में कैसा होता है? तो दोस्तों वर्टिकल जो है आपका वो पोर्ट्रेट होता है, और एक आता है आपका हॉरिजेंटल, वो आपका होता है लैंडस्केप। तो वर्टिकल जो है आपका वो पोर्ट्रेट होता है। तो ये आंसर जो है वो राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द विच बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम, क्या कह रहे हैं कौन सा बार दस्तावेज के और प्रोग्राम का नाम प्रदर्शित करता है, यानी कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट खोलते हो तो आपका जो नेम शो करता है वो कौन सा बार करता है, टाइटल बार, टूल बार, मेन्यू बार या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों ये जो सबसे ऊपर आपका यहाँ पे जो आता है नेम लिखा होता है किसी भी फाइल का, तो वो आपका टाइटल होता है, ये जो ये इसको कहते हैं हम टाइटल बार, तो टाइटल बार ही आपका नेम वम शो करता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GIF। तो दोस्तों जो हमारे इमेजेस होते हैं उसके कई सारे फॉर्मेट होते हैं, तो उनमें एक होता है GIF, तो GIF की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो GIF की फुल फॉर्म होती है आपकी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PNG इन डिजिटल इमेजिंग स्टैंड फॉर, दोस्तों फिर से आ गया कि PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एक तरह का आपका जो इमेज का टाइप है, इमेज के फॉर्मेट की टाइप है, तो PNG का होता है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, तो ये आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चन में आपको कोई लॉजिक नहीं मिलने वाला, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडो ईमेल प्रोग्राम, क्या कह रहा है कि आपका जो इन फोर ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो विंडो ईमेल प्रोग्राम में नहीं आता। तो देखो दोस्तों ये तीनों तो आपके आते हैं, आउटलुक, पेगासस और यूडोरा, ये सब आपके ईमेल प्रोग्राम में आता है, लेकिन पावर पॉइंट क्या है एक ऑफिस का पार्ट है ऑफिस का, तो ये नहीं आता आपका, तो ये आंसर जो वो राइट हो जाएगा। तो आ चुका है दोस्तों हम अपने 15 क्वेश्चन के तरफ। तो 15 क्वेश्चन है हमारा कि विच डिवाइस इज यूज फॉर मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन। तो दोस्तों मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन के लिए जो डिवाइस हमारा यूज किया जाता है वो होता है आपका मॉडम, तो ए जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NFS, NFS की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो NFS के फुल फॉर्म जो है वो दोस्तों आपका नेटवर्क फाइल सिस्टम, तो ए जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन आपका कि बोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो बोल्ड किसका एग्जाम्पल है, एक स्टाइल टाइप ऑफ स्टाइल, तो ये क्या बोल्ड जो है एक स्टाइल में आता है, जो फ़ॉन्ट के स्टाइल में ही आता है ये, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ क्लिप बोर्ड इज अ टेम्पररी स्टोरेज यूज टू स्टोर, जो हमारा क्लिप बोर्ड मेमोरी होता है वो टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है, तो वो किसको स्टोर करता है। तो दोस्तों वो जो है जब आप ऑफिस चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा, वो जो है अपने जो कट कॉपी किया होता है उनको टेम्पररी स्टोर करके रखता है, तो हमारा जो ए आंसर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम ऑफ अ डेटा इज नोन, क्या कह रहा है, एक डेटा और एक पंक्ति या एकल स्तंभ की डैश के रूप में जाना जाता है, तो वो होता है आपका डेटा सीरीज, तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्या कह रहा है यहाँ पे कि माइक्रो पॉइंट जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसका एक्सटेंशन क्या है, तो उसका एक्सटेंशन होता है आपका .ppt, .ppt, तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टू गो टू द प्रीवियस स्लाइड प्रेस डैश, दोस्तों जब आप प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाओगे तो आपको क्या कह रहा है, पिछले वाले स्लाइड पे जाने के लिए आपको कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों सिंपली आपको अप एरो, जो एरो में से होता है उनमें अप एरो जो होता है वो वाला बटन प्रेस करना पड़ता है, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि टू बिगेन द स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रेस, और स्लाइड शो को चालू करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करना पड़ता है, तो F5 प्रेस करना पड़ता है, तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ए डैश इज यूज टू क्विकली रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस, क्या कह रहा है दोस्तों, डेटाबेस से जानकारी पुनः प्राप्त करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो वो हमारा इंडेक्स होता है, तो ये हमारा जो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच फंक्शन इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम कुकीज, तो कुकीज से डेटा प्राप्त पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है,
तो वो आपका रीड कुकीज फंक्शन यूज किया जाता है। तो ये हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि इन विच ईयर VB यानी विजुअल बेसिक 6.0 वर्जन वाज लॉन्च। क्या कह रहे हैं दोस्तों, जो हमारा VB 6.0 था वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो वो लॉन्च किया गया था आपको 1991 में। तो ये जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे अपने दो चैप्टर के बेस पे थोड़ा बहुत मिक्सअप क्वेश्चन आंसर, तो जो कि एग्जाम में आपको हेल्प जरूर करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और भी वीडियोस अच्छे अच्छे आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।